हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी और चटपटी दही बैंगन वाली सब्जी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और घर में ही रखी चीजों से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे और ये इतनी सुपर टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आगे से आप बैंगन की सब्जी इसी तरह से बनवा कर खाना पसंद करेंगे। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी और मसालेदार झटपट से तैयार होने वाली बैंगन की सब्जी। बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम के आसपास बैंगन। यहाँ मैंने छोटे वाले बैंगन यूज किए हैं, आप यहाँ बड़े वाले या लंबे वाले बैंगन भी यूज कर सकते हैं। बैंगन को अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे। अब हम यहाँ बैंगन को कट करेंगे, तो इसका जो ऊपर वाला डंठल है इसे हम निकाल देंगे और इस तरह से ये छोटा बैंगन है तो हम इसके 4 पीसेस कट कर लेंगे। और यदि आप बड़े वाला बैंगन यूज कर रहे हैं तो उसके हम मीडियम साइज के पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे और इसी तरह से हम सभी बैंगन को अच्छे से काट लेंगे। और यदि आपको बैंगन डंठल के साथ पसंद है तो आप इसे डंठल के साथ भी कट कर सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, सभी बैंगन मैंने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब हम इसे पानी में डालकर रख देंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और उसमें डालेंगे पानी और जो ये कटे हुए बैंगन है वो हम पानी में डाल देंगे जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे। या फिर आप बैंगन को काटने के बाद तुरंत फ्राई कर सकते हैं। तो आइए अब हम बनाएंगे मसाला। तब तक बैंगन को हमने पानी में रखा है, तो यहाँ मैंने ली है 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे तो दही एकदम स्मूथ हो जाएगी। और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही बैंगन बनाने के लिए दही बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस रेसिपी में दही को स्किप ना करें। और ये लीजिए, मसाला भी काफी अच्छे से तैयार हो चुका है और जो बैंगन पानी में रखे थे उनका पानी हम निकाल देंगे। तो आइए अब हम बैंगन को फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जो बैंगन हमने कट किए थे वो इसमें डाल देंगे। बैंगन को यहाँ फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में बैंगन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हम इन्हें ढककर पका लेंगे और ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद बैंगन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। जिस कढ़ाई में हमने बैंगन फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच तेल हम लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन का पेस्ट और इसे तेल में हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम रखेंगे और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई और इसे भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद प्याज भी भून कर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद जब तड़का हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मसाले वाली दही। यदि हम दही को गरम तेल में डालेंगे तो दही फट जाएगी, इसलिए हमें यहाँ इसे थोड़ा सा ठंडा करके ही डालना है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जो मसाले हमने जिसमें तैयार किए थे उसी कटोरी में डालकर हम पानी इसमें डाल देंगे और मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और जब धीरे धीरे इसमें उबाल आएगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मसालों में उबाल आ चुका है। अब हम पैन को कवर करके मसालों को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं
और ये देखिए कढ़ाई ने भी तेल छोड़ दिया है। मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रहे हमें यहाँ मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए बैंगन और अब बैंगन को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी और ऐड कर सकते हैं और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, जिससे इस सब्जी का टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। और सब्जी को एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसी के साथ ये लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटी दही वाली बैंगन की सब्जी। गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व करेंगे रोटी चपाती या नान के साथ तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। और ये दही बैंगन कितनी टेस्टी बनी है ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो दोस्तों आप भी मेरे तरीके से इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और यकीन मानिए जिसको बैंगन खाना पसंद नहीं है वो भी इस सब्जी को चट कर जाएगा और बार बार आपसे इसी तरह से बैंगन की सब्जी बनवा कर खाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।